हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 19 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ी सी डिले है बट क्वेश्चन आपके लगभग मिल गए हैं और एकदम क्वेश्चन आपके रियल है। काफ़ी क्रॉस वेरीफाई मैंने करा के ही आप लोगों के बीच क्वेश्चन लाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पहला क्वेश्चन था आपका इडुक्की डैम है ना, इडुक्की बांध है ना, इडुक्की डैम या फिर बांध। तो ये पूछा था आपका किस नदी पर है, तो ये आपका नदी है कौन सी, पेरियार। कहाँ पर? पेरियार नदी। और ये नदी किस राज्य में है, तो आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और इस नदी को बोला जाता है लाइफलाइन ऑफ केरल, है ना, लाइफलाइन ऑफ केरल बोला जाता है, बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आपसे ये पूछा था इडुक्की बांध जो है ना, बांध जो है वो किस नदी पर है, तो वो पेरियार नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि आपका अगला क्वेश्चन था भारत का पहला वायसराय कौन था, है ना, भारत का पहला वायसराय। रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा था कि हाँ ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक गेहूं जो है वो किस क्या कहते हैं देश में होता है, है ना, सर्वाधिक गेहूं मतलब गेहूं उत्पादन में नंबर वन कौन है, सर्वाधिक गेहूं या फिर वीट जिसे बोलेंगे आप, गेहूं कहां पर होता है, तो ये किस देश में होता है, तो किस में होता है, चाइना में होता है। कहां पर होता है? चाइना में होता है। ठीक है, ओके। और अगर राज्य की बात करता मतलब अगर भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहां होता है, तो यूपी हो जाता है। ठीक है, बहरहाल आपने दिया हुआ था सर्वाधिक गेहूं कहां होता है, तो चाइना में, देश पूछा था आपसे। ठीक है, कंट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बेस्ट एक्ट्रेस है ना, ऑस्कर 2020 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है, अवार्ड, यही क्वेश्चन था। हाँ, तो ये मिला है रेने जेलवेगर को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, अच्छा, और बेस्ट मूवी किसे मिला है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, मैंने कई बार बता दिया इस चीज़ को, है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि हाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था CIL का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत आसान है, कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, है ना गाइज। अगर क्वेश्चन आपको रियल लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका मतलब कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ना, तो वृद्धि हार्मोन जो है वो किस, आप कह सकते हैं कि सिक्रेट होता है किस ग्रंथि द्वारा, वृद्धि हार्मोन, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि द्वारा जो आपका है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन था आपका कि हाँ ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन से कमेटी बनाई गई थी, है ना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कमेटी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो हंटर मिशन के नाम से एक बनाया गया था कमेटी, हंटर कमीशन के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ देखिए, एक तो आया था आपसे सर्वाधिक गेहूं किस देश में होता है, तो हो जाएगा चाइना। अब की पूछा था आपसे सर्वाधिक अभ्रक या फिर माइका या फिर अभ्रक किस राज्य में होता है, सर्वाधिक अभ्रक या फिर माइका जैसे बोलोगे, अभ्रक या फिर माइका, तो ये कहाँ पर होता है सर्वाधिक, ये राजस्थान में, कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक माइका कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका रिट इशू करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है ना, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम
कोर्ट इशू करता है जो आपका रिट है ना, वो किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 32 किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत कहा जाता है, सॉरी करता है आपका रिट इश्यू करता है आपका कोर्ट है ना। और आर्टिकल 32 के बारे में और क्या कहा गया है, यह है आपका संविधान की आत्मा बोला गया था। क्या बोला गया था, संविधान की आत्मा किसके द्वारा बोला गया था, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन कुछ इधर मैं राइट करता हूँ, देन इसको रफ करूंगा, आप इसके ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विक्टोरिया फॉल से आया था है ना, ये किस देश में है ना, तो जाम्बिया है ना। मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ, विक्टोरिया फॉल है ना, फॉल्स जो है वो कहाँ किस देश में है, तो जाम्बिया, जाम्बिया देश है ना, जाम्बिया देश में है, जाम्बिया देश में है। ठीक है, और शायद ये किस नदी पर भी है, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन एक आधे स्टूडेंट ने बताया था। तो ये आपका जाम्बिया देश और जाम्बेजी नदी, कौन सी, जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो ये आपका हो गया विक्टोरिया फॉल से रिलेटेड बातें, जाम्बिया देश और जाम्बेजी नदी पर ये आपका फॉल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था, वो पूछा था कि ये क्वेश्चन था कि 2021 में है ना, दो नहीं एक मिनट, ऐसे ही कुछ था, पहले ये देख लेता हूँ। राष्ट्रमंडल मतलब 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत से गोल्ड मेडल किसने जीता था है ना, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आपका 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में भारत से गोल्ड मेडल कौन जीता था, तो जो जीते थे उनका नाम था विकास कृष्णन। क्या नाम था, विकास, ये नाम था आपका विकास कृष्णन, अगर आपने लगाया तो आपका एकदम सही है। ठीक है, विकास कृष्णन, आपको चीजें विजिबल है इधर की या नहीं, ओके आई थिंक दिख रहा होगा आपको है ना, ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, विकास कृष्णन, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था, ये पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, 2018 और 19 की कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसको सर्वाधिक फायदा हुआ है ना, 2018 एंड 19 में किस कंपनी को सर्वाधिक प्रॉफिट है ना, तो सर्वाधिक जो प्रॉफिट हुआ, जहां तक मैंने सर्च किया मुझे ONGC मिला है ना, यही आपका हो जाएगी कंपनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या ONGC ऑप्शन में था, अगर था तो आपको यही लगाना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विधान परिषद है ना, विधान परिषद जो है वो किस आर्टिकल के मतलब विधान परिषद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 169 आर्टिकल में आपका विधान परिषद के बारे में बताया गया। अब एक काम करिए, मैं थोड़ा बड़ा लिखा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग चीज़ को आपको अच्छे से राइट कर सकूं और वो चीज़ें भी आपके पास कलेक्ट हो जाए। अभी हमारे पास और भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छी खासी आपकी एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए थे तो वीडियो थोड़ा सा आप क्या करिए, बैक करिए और वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं अच्छे से राइट कर सकूं और थोड़ा बहुत मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा, रीजनिंग वगैरह में किससे कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, वो पूछा था कि चोल वंश के शासकों ने चोल वंश ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो चोल वंश का जो मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, वो कौन सा है, वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा एक को स्टूडेंट ने खाली बोला था, तो इसको मतलब मैसेज केवल आया था, तो बृहदेश्वर मंदिर था, चोल वंश था, तो ये स्टार बना के दूंगा, आप कमेंट करके मुझे कंफर्म करिएगा कि ये आया था या नहीं आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त नहीं मौर्य नहीं था, चंद्रगुप्त द्वितीय को, गुप्त वंश का जो शासक था, किसने किस चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि स्वीकार की थी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त सेकेंड ने, चंद्रगुप्त सेकेंड ने किसकी उपाधि स्वीकार की थी, तो सिंपल चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो जाएगा विक्रमादित्य, किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि स्वीकार की थी। और दो क्वेश्चन यहां से और एक बनता है कि मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन चीनी शासक आया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक आप थे फाहियान और एक था ह्वेनसांग, एक था आपका ह्वेनसांग और एक था आपका फाहियान, ठीक है, फाहियान, ये आपके दो चीनी चीनी शासक नहीं कहेंगे, दो चीनी आपके यात्री थे, दो चीनी यात्री थे जो आए थे किसके समय में, ऐसे ही पूछा जाता है, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में आया था, और फाहियान जो आया था वो इन्हीं के समय में, मतलब विक्रमादित्य के समय में आया था, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो याद कैसे करोगे, इसमें बार बार कन्फ्यूजन होती है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है, ह्वेन आ गया और यहाँ हर्षवर्धन आ गया, तो दो चीनी जो आपके यात्री थे हर्षवर्धन और ह्वेनसांग, ये दोनों हा हा से मिल गया, तो इनका कन्फर्म, बचा फाहियान, किसके समय में आया, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, और ये थे कौन, ये थे आपके चाइनीज चीनी यात्री, है ना, चीनी यात्री थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई, है ना, तो लॉर्ड डलहौजी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी, तो ये बहुत फेमस भी है, कह सकते हैं हड़प नीति, कौन सी नीति, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये आपको लगा देना था। अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जस्ट अ मिनट, एशियन बैडमिंटन 2020 की लोकेशन आपसे पूछा था, एशियन बैडमिंटन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, है ना, 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका मनीला फिलीपींस में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मनीला फिलीपींस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र की किस कंपनी, मतलब महाराष्ट्र की कौन सी ऐसी कंपनी है जो महारत्न में कन्वर्ट हो गई है ना, महाराष्ट्र की कंपनी जिसे नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया है ना, महाराष्ट्र कंपनी नवरत्न में शामिल, तो कौन सी कंपनी है महाराष्ट्र की, जो कंपनी है वो है आपकी HPPC, कौन सी है, HPPC हो जाएगा आपका, हिंदुस्तान पेट्रोल पावर एंड सी से आपका आई थिंक कॉरपोरेशन होगा, हिंदुस्तान पेट्रोल पावर कॉरपोरेशन, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोल एंड पावर कॉरपोरेशन, सी फार कुछ कन्फर्म नहीं हूँ, बहरहाल HPPC अगर आपके ऑप्शन में था तो यही हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। दो क्वेश्चन, हाँ और एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका आया था कि लोकसभा स्पीकर जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, लोकसभा स्पीकर जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये आपके लोकसभा जो स्पीकर है वो लोकसभा के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं, किसके द्वारा, लोकसभा मेंबर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, लोकसभा मेंबर द्वारा आपके चुने जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा चुने, ठीक है, तो ये लोकसभा मेंबर द्वारा, ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कंप्यूटर से था, देखिए दो था, मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको, जो भी आया हो, आया तो एक ही कोई होगा, 1 byte में कितने बिट होते हैं, तो ये 1 byte में कितने होते हैं, 8 bit होते हैं, अगर ये तो बहुत कम चांस से आया हो, आया था तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपसे ये शायद पूछा था 1 petabyte में कितना terabyte होता है, पेटाबाइट आप कंफर्म करके मुझे बताइएगा, ठीक है, 1 petabyte में कितना टेराबाइट, तो 1024 टेराबाइट होता है, टेराबाइट, ठीक है,
ये हो जाएगा आपका, ठीक। ओके चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कोई है मेरे पास। हाँ एक आपका आया था, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए थे क्योंकि वीडियो डिले थी, ठीक है। एक आपका पूछा था कि जब लाइम वाटर को आपका कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया जाता है तो क्या बनता है, है ना। लाइम वाटर को ध्यान दीजिएगा, लाइम वाटर को, वाटर को CO2 से गुजारने पर, गुजारने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है आपका CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक क्लासिकल डांस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं, अब उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन मुझे पता नहीं कि कौन सा नहीं है, बहरहाल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्लासिकल डांस से एक कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप 8 हैं टोटल, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो 8 आप देख लीजिएगा, सबको पता होगा, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और बहुत अच्छी बात तो ये रहेगी अगर आप कमेंट करके 8 डांस बता देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगला क्वेश्चन आपसे एक नागालैंड से कोई क्वेश्चन आया था, तो नागालैंड का अगर फेस्टिवल आया था तो हॉर्नबिल रिपीटेड हो जाएगा, बट शायद नागालैंड की जनजाति आई थी, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे कि ये क्या होगा, अगर आपके पास है या फिर नॉर्मल भी आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन बस, हाँ एक कोई आया था UNFCC, है ना, इससे कुछ क्वेश्चन आया था UNFCC CCC, है ना, ये इसका एक कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं, ये कहां पर हुआ था, तो आपका फ्रांस में हुआ था, है ना, पेरिस एग्रीमेंट कहां हुआ था, तो ये आपका हुआ था फ्रांस में, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था कि ये कहां पर हुआ था, तो ये फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। बस गाइज इतने ही क्वेश्चन हैं, जो कि आई थिंक लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, अप्रॉक्स मान के चलिए 25 प्लस ही होंगे, ठीक है। बाकी एक हो सकता है कि 25 के अप्रॉक्स ही हो, बट आप कमेंट करके भी तो जो बताएंगे उसको मैं ऐड करके बताया हूं, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि आप 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चन पता चल गया आपको यहां से। बाकी कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतनी देर मैंने मेहनत किया तो एटलीस्ट मुझे रियल क्वेश्चन मिले। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। एक काम करता हूं मैं और आपको रीजनिंग के एक टॉपिक बता देता हूं। देखिए नंबर सीरीज से जो आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए यहीं मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिखना क्या सुन लीजिए। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन और एनालिटिकल रीजनिंग से आया 1 क्वेश्चन और सीलॉग से आया आपका 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से आपका आया 2 क्वेश्चन, पजल से क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आया, एनालॉगी से 1 क्वेश्चन आया, डायरेक्शन टेस्ट से भी क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं हूँ कितना आया था, बिल्ड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आया था, यही सब टॉपिक है। बाकी क्यूब कोबाइड से नहीं पूछा गया था, क्लॉक कैलेंडर से नहीं पूछा गया, बाकी टॉपिक आप जानते ही पूछा गया था, ठीक है। और जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, वीडियो के आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे आपको NTPC के जो और अदर एयरशिफ्ट की एनालिसिस एक्यूरेट कराया हूं उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको और नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको एक मिलेगा आपका IPL 2020, है ना, से रिलेटेड क्वेश्चन, तो IPL से कोई रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर आपको मिलेगा टॉप 20, है ना, तो इसको देख लेंगे, 19-20 दोनों का मिला के मैंने बताया। और सबसे जरूर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, रीजनिंग का रामबाण वीडियो है, 11 घंटे की लगातार वीडियो है, वहाँ इस वीडियो में आप टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहते हो तो एकदम बेसिक से मैंने बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कॉपी कहीं से भी जाइएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट पे जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत यूजफुल है वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी लिंक मिलने में दिक्कत है कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।